आप देख रहे हैं मिशन न्यूज पाकिस्तान की आवाज। शहर कराची की जहां सीमा इंग्लिश प्राइवेट स्कूल की जानिब से मारीपुर शहीद बेनजीर भुट्टो बलोच फुटबॉल स्टेडियम में पिछले साल की तरह इस साल भी एनुअल स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल सजाया गया, जिसमें प्राइमरी स्कूल के तलबा व तलबात ने भी हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला के इवेंट में कराची भर की यूनिवर्सिटियों से उस्ताजा कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स, ट्रॉफी, इनामात से नवाजा गया। आने वाले मेहमान कराम को सिंधी अजरक के तोहफे और यादगार शील्ड भी पेश की गई। बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर वालिदैन भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। इलाका मकीनों के इस रंगारंग तकरीब में चेहरे खिलते खिलाते मुस्कुराते नजर आए। रिपोर्ट शहजाद हुसैन, मिशन न्यूज़ कराची। मणिपुर की तारीख में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि हमने एक स्पोर्ट्स गाला का इवेंट सीमा इंग्लिश स्कूल ने ऑर्गेनाइज़ किया। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पिछले साल मैंने कोशिश की थी छोटी सी, और उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों में इतनी हमने बेहतरी देखी, वालदैन इतने खुश थे। हमें लगा कि तालीम अब सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होनी चाहिए, तालीम के साथ तरबियत, और तरबियत के लिए ज़रूरी है कि बच्चे क्लासरूम से बाहर आएँ, लोगों में हों, डिसिप्लिन उनका नज़र आए, वो स्पोर्ट्स में और दिगर सरगर्मियों में हिस्सा लें। तो सर ये किया है सर आदिल बलोच ने सीमा स्कूल की तरफ से, और इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को जहाँ तक पढ़ाई के ताल्लुक है, पढ़ाई तो होती रहती है, गवर्नमेंट स्कूल भी पढ़ाते हैं, लेकिन कहने का मकसद है बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ग्रूम करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी जो सलाहियतें हैं वो भी सामने आ सकें। और इस तरह के इलाकों में कि जहाँ पर बहुत सारी मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स की मौजूदगी में यहाँ पे इस तरह के एक हेल्दी एक्टिविटी करना, पॉजिटिव एक्टिविटी करना, मैं समझता हूँ इट्स रियली गुड, और इसके लिए सर आदिल और उसकी पूरी टीम अप्रिशिएट मैं करता हूँ। आप ये नहीं समझते हैं, सालाना स्पोर्ट्स गाला बहुत ही शानदार तरीके से मुनक्किद किया गया, जिसमें बहुत सारे दिलचस्प मुकाबले बच्चों और बच्चियों के दरमियान हुए, और बच्चों ने उसमें बहुत जोश और जज्बे के साथ पार्टिसिपेट किया। मैं समझता हूँ कि खेलों की सरगर्मियाँ बच्चों की जहनी, जिस्मानी और